हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी हो चुकी है। जी हां, 2014 के मुकाबले 2019 में मोदी सरकार की शानदार वापसी हुई है। ऐसी वापसी का अनुमान किसी ने नहीं किया था। देश के कई राज्यों में जो विरोधी पार्टियां हैं उसका सुपड़ा साफ हो गया है। उन्हीं राज्यों में से एक बिहार भी है जहां विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया है। बिहार के 40 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली है और महागठबंधन को 0-0 मिला है। सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है, बाकी 39 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी शानदार जीत दर्ज की है और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। आइए एक नज़र डालते हैं बिहार के किस सीट से कौन जीता, कितने मार्जिन से जीता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और इसी से हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के किस सीट पर कौन जीता, कौन सी पार्टी जीती, कौन सा उम्मीदवार जीता और कितने मतों के अंतर से उसने जीत दर्ज की है। इस वेबसाइट में अल्फाबेटिकली बताया गया है उम्मीदवार का और जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, उसको अल्फाबेटिकली काउंट किया गया है। तो उसी आधार पे हम इस वेबसाइट के जरिए आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात अररिया की। अररिया से प्रदीप कुमार सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 1,37,241 वोटों से चुनाव जीते हैं अररिया से और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सरफराज आलम को हराया है। बात करें आरा की, तो आरा से आरके सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने चुनाव जीता है और वे 1,47,285 मतों से चुनाव जीते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो राजू यादव थे उनको पराजित किया है। बात करें औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने चुनाव जीता है और वे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो कैंडिडेट थे उपेंद्र प्रसाद, उनको चुनाव हराया है। 72,607 वोटों से उन्होंने, सुशील कुमार सिंह ने, मात दी है। और अब बात बांका की। बांका संसदीय क्षेत्र से जनता दल उम्मीदवार गिरधारी यादव इस बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। वे आरजेडी के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव को 2,92,000 मतों से पराजित किए हैं। हम आपको बता दें कि 2014 में यहाँ पे जयप्रकाश यादव जो हैं उन्हें 10,144 मतों से पराजित कर दिया था और गिरधारी यादव पिछली बार 2014 में जब मोदी लहर था तो चुनाव जीत गए थे। बात करें बेगूसराय की। बेगूसराय बिहार का सबसे हॉट सीट था और यहां से गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, वो चुनाव मैदान में थे और वे 4,22,217 मतों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कन्हैया कुमार को हराया है जो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। हम आपको यहाँ बता दें कि जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तनवीर हसन थे बेगूसराय से, वो तीसरे पोजीशन पे रहे हैं। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो दूसरे पोजीशन पे होंगे लेकिन कन्हैया कुमार ने उन्हें तीसरे पोजीशन पे धकेल दिया और ये कहें कि जो फाइट रही वो कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह की के बीच रही। गिरिराज सिंह के इतनी बड़ी जीत होगी किसी ने अनुमान नहीं लगाया था।
ये चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 4,22,217 मतों से वो चुनाव जीते हैं। बात करें भागलपुर संसदीय क्षेत्र की, तो भागलपुर से अजय कुमार मंडल, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीते हैं और उन्होंने शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, उनको 2,76,725 मतों से पराजित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, भागलपुर में भागलपुर जातीय समीकरण तो बिहार के सभी सीटों पे काम करता है, और यूं कहें कि इस बार किसी सीटों पे काम नहीं किया है। अगर जातीय समीकरण आधार बनता तो शायद जो बुलो मंडल हैं उन्हें चुनाव हराना मुश्किल होता, जो भागलपुर के अजय कुमार मंडल हैं उनको, लेकिन यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल को मात खानी पड़ी है। बात करें बक्सर संसदीय क्षेत्र की, तो बक्सर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अश्विनी कुमार चौबे हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं, जीत गए हैं, और वे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जगदानंद सिंह को हराए हैं। उन्होंने 1,17,609 मतों से जो जगदानंद सिंह हैं उन्हें मात दी है। बात करें दरभंगा संसदीय क्षेत्र की, दरभंगा संसदीय क्षेत्र से गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के हैं उम्मीदवार, वो चुनाव जीत चुके हैं और वो अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हराए हैं और भारी मतों से हराए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को गोपाल जी 2,67,979 मतों से मात दी है। तो एक बड़ा जीत का अंतर है, क्योंकि ये दरभंगा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, 50% की आबादी मुस्लिमों की है, बावजूद यहाँ जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव हारना पड़ा है और गोपाल जी ठाकुर यहाँ से दरभंगा से चुनाव जीत चुके हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बात करें गया सुरक्षित सीट की, तो गया सुरक्षित सीट से हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, वो चुनाव मैदान में थे और उन्हें विजय मांझी से भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। विजय मांझी जो हैं उन्होंने 1,52,426 मतों से उन्हें मात दी है। जीतन राम मांझी को उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 1,52,426 मतों से यहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजय मांझी चुनाव जीते हैं। बात करें गोपालगंज सुरक्षित सीट की, तो यहां से जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुवन, जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, वे चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने सुरेंद्र राम, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, उन्हें मात दी है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हाल ही में जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया था और ये वहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, सर्जन हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, और इन्होंने 2,86,434 मतों से सुरेंद्र राम, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं, उन्हें मात दी है। यहाँ भी ये दावा किया जा रहा था कि सुरेंद्र राम जो है वो चुनाव तो जीतेंगे ही, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस बार सारे समीकरण ध्वस्त रहे हैं। महागठबंधन का सिर्फ एक प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत चुका है, बाकी 39 जो उसके प्रत्याशी हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले संसदीय क्षेत्र की। बात करें हाजीपुर सुरक्षित सीट की, तो हाजीपुर सुरक्षित सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव जीत चुके हैं, जो
कहा जाता था कि इस सीट को हाजीपुर जो सीट है जहां से चुनाव जीतकर कभी राम विलास पासवान ने जो है एक रिकॉर्ड बनाया था गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था, लेकिन कहा जा रहा था कि इस बार हार की डर से वो चुनाव नहीं लड़े थे। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का कारण सार्वजनिक तौर पे जो बताया था वो इसकी वजह बताए थे कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के बारे में भी कहा जा रहा था कि इस बार हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से राम विलास पासवान के परिवार का किसी भी सदस्य का जीतना नामुमकिन है। तो नामुमकिन मुमकिन हो चुका है, जैसा बीजेपी ने नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन हो चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस चुनाव जीत चुके हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और उन्होंने शिवचंदर राम को जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, पशुपति कुमार पारस ने 205,449 मतों से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं शिवचंदर राम उनको पराजित किया है। तो जीत का अंतर भी बहुत बड़ा है। कहाँ तो कहा जा रहा था रामविलास पासवान के परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव नहीं जीतेगा इस बार, लेकिन जीत का बड़ा अंतर, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये नारा यहाँ सच साबित हुआ है। बात करें जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की, तो जहानाबाद से जनता दल के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद है वो यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को चुनाव हरा दिया है उन्होंने। हालांकि जीत का अंतर बहुत मामूली है, 1,075 मतों से सुरेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा है, और बिहार में जो जीत का अंतर है यही जो सबसे कम अंतर है यही है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से 1,075 मतों से चुनाव हार गए हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसे भी राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ के तौर पर देखा जाता था। बात करें जमुई संसदीय क्षेत्र की, जमुई संसदीय सुरक्षित सीट है, और यहां से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में थे, और इनके जीत को लेकर भी बहुत ही आशंकित थे, वो खुद आशंकित थे अपनी जीत को लेकर, लेकिन वो चुनाव जीत चुके हैं। और चिराग पासवान ने RLSP के उम्मीदवार भूदेव चौधरी को हराया है, और 241,049 मतों से उन्होंने RLSP के उम्मीदवार को हराया है। तो उन्होंने भी चिराग पासवान ने भी बड़ी जीत दर्ज की है, जो खुद शासंकित थे कि इस बार लगता है नैया पार लगेगा कि नहीं, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन हो चुका है। बात करें झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की, तो झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जुराम प्रीत मंडल वो चुनाव जीत चुके हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गुलाब यादव को चुनाव में हराया है, और बड़े अंतर से हराया है, 322,951 मतों से उन्होंने गुलाब यादव को पराजित किया है। बात करें काराकाट की, तो काराकाट संसदीय क्षेत्र से महाबली सिंह जो जनता दल के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत गए हैं, और यहां से उपेंद्र कुशवाहा को जो RLSP के अध्यक्ष हैं और तकरीबन 4.5 सालों तक केंद्र सरकार में मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जो महागठबंधन में आ गए थे पाला बदल करके, लेकिन यहाँ महागठबंधन का जादू चला नहीं, और खुद ताल ठोकने वाले उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने हार के बाद बड़ी ही विनम्रता से कहा है कि जनता का जो आदेश है
वो सर आंखों पर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि उनकी हार का जो अंतर है 84,542 मतों का है, 84,542 मतों के अंतर से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र जाना जाता है कटिहार, कटिहार की बात करते हैं तो दुलाल चंद गोस्वामी जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, उन्होंने तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर को भारी मतों से हराया है। तारिक अनवर कहा जाता है, कटिहार के बारे में कहा जाता है कि यहां से किसी मुस्लिम जो प्रत्याशी है उसको हराना नामुमकिन है, लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और यहां भी ये मुमकिन दिखाई दे रहा है। कटिहार से तारिक अनवर चुनाव हार चुके हैं और 57,203 मतों से वो अपना सीट गवा चुके हैं, कटिहार सीट गवा चुके हैं। बात करें खगड़िया संसदीय क्षेत्र की तो जैसा कि आप सभी जानते हैं खगड़िया संसदीय क्षेत्र भी इसलिए बेहद हॉटकेक सीट था क्योंकि यहां से सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी अध्यक्ष हैं वो चुनाव मैदान में थे और उनका मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद कैसर अली से था और मोहम्मद यानी चौधरी अली कैसर जो हैं उन्होंने मुकेश सैनी को चुनाव मैदान में मात दे दी है। मुकेश सैनी चुनाव हार चुके हैं और मुकेश सैनी 248,570 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। जीत का जो अंतर है बहुत बड़ा है, मुकेश सहनी को जनता नकार दी है, खगड़िया की जनता नकार दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 में मुकेश सहनी जो हैं मोदी जी और अमित शाह जी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे थे बीजेपी की ओर से, लेकिन इस बार पाला बदल करके महागठबंधन का दामन थाम लिया था और बहुत ही सक्रिय होकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, खास करके तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने दिन रात एक कर दी थी। बावजूद उसके उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बात करें किशनगंज संसदीय क्षेत्र की तो किशनगंज संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर मोहम्मद जावेद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सैयद मोहम्मद अशरफ जो जनता दल यूनाइटेड के हैं उसने उन्होंने हरा दिया है। ये एकमात्र ऐसा सीट है जिस पे महागठबंधन को जीत मिली है। जी हाँ, 40 में से किशनगंज ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद को जीत मिली है और मोहम्मद जावेद जो है जनता दल के सैयद मोहम्मद अशरफ को 34,466 वोटों से पराजित किया है। तो ये है किशनगंज का। किशनगंज जैसा कि आप सभी जानते हैं किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ दो मुस्लिमों की टक्कर में कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान मारने में कामयाब रहा है। बात करें मधेपुरा संसदीय क्षेत्र की तो मधेपुरा संसदीय क्षेत्र के बारे में बहुत ही मशहूर कहावत सभी के जुबान पे रहता है और सभी लोग इसे जानते हैं, आप भी जानते होंगे। कहा जाता है मधेपुरा के बारे में कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। तो गोप का इस गढ़ में जनता दल यूनाइटेड को जीत मिली है। जनता दल यूनाइटेड के दिनेश चंद्र यादव यहां से शरद यादव को चुनाव मैदान में पराजित कर दिया है। शरद यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव मैदान में थे और उन्हें 3,15,027 वोटों से दिनेश चंद्र यादव ने पराजित कर दिया है। हम आपको बता दें कि यहाँ इस बार मधेपुरा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला था। त्रिकोणीय मुकाबले में 3 यादव यहाँ से चुनाव मैदान में थे।
दिनेश चंद यादव जो चुनाव जीते हैं जनता दल यूनाइटेड से वो, उसके बाद शरद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़े, और पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव मैदान में थे, जो तीसरे नंबर पे रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मधुबनी संसदीय क्षेत्र की। तो मधुबनी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार यादव को जीत मिली है, और यहां से वीआईपी पार्टी के बद्री कुमार पूर्वे को हार का सामना करना पड़ा है। हम आपको बता दें अशोक कुमार यादव के बारे में, अशोक कुमार यादव जो हैं, जो आप देखे होंगे अगर लोकसभा का प्रोसीडिंग देखते होंगे तो आप देखते होंगे अक्सर मोदी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में खड़े होने वाले हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे हैं अशोक कुमार यादव। हुकुमदेव नारायण यादव अपने बेटे के लिए इस बार सीट छोड़ दिया था, और यहां से मधुबनी से वो मैदान में थे, और उन्होंने 454,940 वोटों से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी के बद्री कुमार पूर्वे को पराजित कर दिया जाता है। हमने, हमारा सर्वे तो सही नहीं हुआ, लेकिन हमने बताया था कि बीजेपी में अगर कोई सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेगा तो वो अशोक कुमार होंगे, क्योंकि वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत ही बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाले हैं। बात करें बिहार के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र की, तो महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिंगरेवाल चुनाव जीत चुके हैं। यहां से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रणधीर कुमार सिंह को हराया है। रणधीर कुमार सिंह प्रभुनाथ सिंह, बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। जनार्दन सिंह सिंगरेवाल जो है रणधीर कुमार सिंह को 230,772 वोटों के अंतर से हराए हैं। उन्हें जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है सिंगरेवाल को। और अब बात मुंगेर संसदीय क्षेत्र की, मुंगेर संसदीय क्षेत्र से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जनता दल के प्रत्याशी हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं, और वो मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव मैदान में पराजित किया है। ललन सिंह जो है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को 167,937 मतों से पराजित किया है। जीत का अंतर तकरीबन जो है 2.25 लाख के करीब के आसपास पहुंचता है, तो बड़ी जीत मिली है ललन सिंह को। अगली बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अजय निषाद, वो चुनाव जीत गए हैं। यहां से राजभूषण चौधरी निषाद चुनाव हार चुके हैं, वो वीआईपी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। निषाद बहुल यानी कि मल्लाह बहुल क्षेत्र होने की वजह से उनकी जीत की उम्मीद वीआईपी पार्टी कर रही थी, लेकिन जब वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपनी सीट नहीं बचा पाए तो बाकी की बात करनी भी बेमानी है। आखिर वो कैसे जीत पाते, क्योंकि यहाँ भी इफेक्ट जो काम किया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन देखिए इनका वोटों के अंतर से दिखता है। इन्होंने 482,237 वोटों से राजभूषण चौधरी को हराया है। अजय निषाद ने जो है राजभूषण चौधरी को 4 लाख
8,237 वोटों से हराया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो अजय निषाद हैं उनको एक बड़ी जीत मिली है। मैं खुद मुजफ्फरपुर गया था और वहाँ की जनता, खास करके मल्लाह जाति के लोग, अजय निषाद से काफ़ी गुस्से में थे और वो कह रहे थे, जगह जगह कह रहे थे कि हम तो वोट नहीं करने वाले। जो लोग उनके वोट करने की बात करते थे तो करते थे कि हम अजय निषाद को नहीं, मोदी जी की वजह से अजय निषाद को वोट करेंगे, लेकिन वो वोट सचमुच में डिजर्व नहीं करते। और यहाँ देखिए 4,08,237 वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल हुई है अजय निषाद को। अब बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले की नालंदा की। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जनता दल के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं और वो हम पार्टी के अशोक कुमार आज़ाद को चुनाव मैदान में चारों खाने चित कर दिया है। यहाँ भी कहा जाता था कि जो कुर्मी जाति के लोग हैं वो भी कौशलेंद्र कुमार से नाराज हैं और वो भी वोट इस बार कौशलेंद्र को नहीं करने वाले हैं। लेकिन जीत का जो अंतर है वो है 2,56,137 वोट, यानी कौशलेंद्र कुमार को यहाँ बड़ी जीत मिली है नालंदा में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवादा संसदीय क्षेत्र की। तो नवादा संसदीय क्षेत्र से चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीत गए हैं। हम आपको बता दें कि चंदन सिंह ने विभा देवी को हराया है और विभा देवी को, जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी और बाहुबली विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी हैं, और चंदन कुमार से मैं आपका परिचय करवा दूं, चंदन कुमार बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई हैं। और जीत का जो अंतर है, चंदन कुमार ने 1,48,072 वोटों से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विभा देवी को चुनाव मैदान में मात दी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम चंपारण की। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीते हैं और वे ब्रजेश कुमार कुशवाहा, जो आरएलएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराया है। यहाँ तो ऐसे भी कहा जा रहा था कि ब्रजेश कुशवाहा, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, और ब्रजेश कुशवाहा के बारे में वहाँ की जनता तो पहले ही कह रही थी कि ये किसी कीमत पे चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, और वे चुनाव हुआ वही चुनाव हार चुके हैं। 2,93,906, यानी तकरीबन 3,00,000 के करीब करीब 3,00,000 वोट से जो है वो ब्रजेश कुमार कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा है पश्चिम चंपारण से। यानी पश्चिम चंपारण यानी बेतिया संसदीय क्षेत्र से। अब बात पाटलिपुत्रा की। पाटलिपुत्रा से एक बार फिर रामकृपाल यादव ने मैदान मार लिया है। बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चुनाव मैदान में पराजित कर दिया है और मीसा भारती को 37,808 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और उन्हें दूसरी बार पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पटना साहिब की, जहां से
दो कायस्थ आमने सामने थे, रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और शत्रुघ्न सिन्हा उनके खिलाफ चुनाव मैदान में थे, जो बिहार में ही नहीं देश भर में बिहारी बाबू के नाम से मशहूर हैं, लेकिन बिहारी बाबू को हार का सामना करना पड़ा है। बिहारी बाबू 2014 में मोदी मंत्रिमंडल बनने के बाद से मोदी चुनाव के दौरान तक मोदी पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं चुकते थे, उन्हें बिहारी बाबू को हार का सामना करना पड़ा है। पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से उन्हें रविशंकर प्रसाद ने 2,84,657 वोटों से हराया है। जीत का अंतर भी जो है बहुत बड़ा है, 2 लाख करीब 3 लाख से कुछ ही कम 15,000 के करीब कम है। तो बिहारी बाबू को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। और अब बात पूर्णिया संसदीय क्षेत्र की। पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुमार चुनाव जीत चुके हैं। ये वही संतोष कुमार हैं जो मोदी लहर में भी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार संतोष कुमार जो हैं वे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को चुनाव मैदान में पराजित किया है। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पहले बीजेपी में थे और इन चुनाव से पहले वे पाला बदलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी के टिकट पे वे पूर्णिया से चुनाव मैदान में थे। पप्पू सिंह को 2,63,461 मतों से हार का सामना करना पड़ा है। और आगे बढ़ते हैं बात पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में जो है राधा मोहन सिंह जो केंद्र में कृषि मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आकाश कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने पराजित किया है और 2,93,648 मतों से पराजित किया है। तो जीत का अंतर भी बहुत बड़ा है। हालांकि क्षेत्र में राधा मोहन सिंह की भी छवि अच्छी नहीं है, वहां की जनता इनकी आलोचना करती है, क्षेत्र नहीं आने की आलोचना करती है और साथ में विकास के काम को लेकर भी इनकी आलोचना करती है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है और आलोचना के बावजूद ये मुमकिन हो चुका है। आप हमारे साथ गए थे तो ये जीत चुके हैं राधा मोहन सिंह। और बात करते हैं समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र की। समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से रामचंद्र पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के हैं उम्मीदवार। उन्होंने डॉक्टर अशोक कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें हरा दिया है चुनाव मैदान में। हम आपको बता दें कि समस्तीपुर सीट सुरक्षित सीट है और यहां से रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान चुनाव मैदान में थे। 2,51,643 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार को उन्होंने हराया है। अब बात सारण यानी छपरा संसदीय क्षेत्र की। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं। राजीव प्रताप रूड़ी जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्र में मंत्री हैं और यहाँ से उनका मुकाबला यहाँ पे सारण में छपरा में उनका मुकाबला लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय से था। ये वही चंद्रिका राय हैं जो जिनकी बेटी की शादी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से हुई थी और चंद्रिका राय की उम्मीदवारी का तेज प्रताप यादव ने विरोध भी किया था। यहाँ चंद्रिका राय को हार का सामना करना पड़ा है। हम गए थे छपरा में और छपरा में भी छपरा की जनता कहती है कि जब राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं अपनी जनता से हाथ मिलाते हैं तो उसके बाद वो साबुन से हाथ धोते हैं।
इस वजह से इस तरह उनकी आलोचना कर रही थी। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं यहाँ से 1,38,429 मतों से जीत चुके हैं, चुनाव जीत गए हैं। और अब बात सासाराम सुरक्षित सीट की। सासाराम सुरक्षित सीट से छेदी पासवान चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी के, और उन्होंने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को, जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उन्हें चुनाव में मैदान में हराया है। और जीत का जो अंतर है, जो जीत है वो 1,65,745 मतों से है। तो जीत का अंतर भी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है तो छोटा भी नहीं है। और छेदी पासवान भी अपने क्षेत्र में काम नहीं करने के लिए बेहद ही मशहूर हैं। अब बात शिवहर संसदीय क्षेत्र की। शिवहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमा देवी चुनाव जीत चुकी हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सैयद फैसल अली को चुनाव मैदान में पराजित किया है। हम आपको बता दें कि रमा देवी का ये हैट्रिक है, तीसरी बार उन्होंने शिवहर संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज की है। और हम आपको बताएं कि जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सैयद फैसल अली हैं, वो सैयद फैसल अली जो हैं वो पेशे से पत्रकार हैं, और मैं खुद उनके साथ काम किया हूं। तो ये चुनाव हार चुके हैं सैयद फैसल अली हैं, वो चुनाव हार चुके हैं, और 3,40,360 मतों से हैं जो इनको रमा देवी को जीत मिली है, या कहें कि उनको 3,40,360 वोट मिले हैं। बात करें समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र की, तो सुनील कुमार पिंटू जनता दल के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अर्जुन राय को 2,50,539 मतों से पराजित कर दिया है। तो ये था सीतामढ़ी का सुनील कुमार पिंटू जनता दल के उम्मीदवार, वो सीतामढ़ी से चुनाव जीत चुके हैं। बात करें सिवान संसदीय क्षेत्र की, तो सिवान संसदीय क्षेत्र में यहाँ दो बाहुबली की पत्नी चुनाव मैदान में थी, और इन दोनों के बीच मुकाबले में कविता सिंह जो हैं जनता दल की टिकट पे चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीत चुकी हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार। सिवान के बारे में कहा जाता है, सिवान के बाहुबली जो जेल में बंद है शहाबुद्दीन, उनकी पत्नी हैं हिना साहिब, वो चुनाव हार चुकी हैं। और हम आपको यहाँ बताते चलें कि अभी भी इस यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का जो साइट है उस पे ये जो दिखा रहा है एकमात्र ऐसा रिजल्ट है जिसके बारे में रिजल्ट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। हालांकि इन्हें बताया गया है कि कविता सिंह 1,16,958 वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन हिना साहिब ने चुनाव में हार मानने से इनकार कर दिया है, हार स्वीकार करने से इनकार किया है। और उनकी मांग है कि वीवीपैट के जरिए गिनती की जाए, और इस मांग पे वो अड़ी हुई हैं। शायद इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट इन प्रोग्रेस लिखा है। बाकी सभी जगहों में आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट डिक्लेयर्ड, लेकिन यहाँ है लिखा हुआ रिजल्ट इन प्रोग्रेस। और अब बात सुपौल संसदीय क्षेत्र की, तो सुपौल से भी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जो हैं दिलेश्वर कामत, वो चुनाव जीत चुके हैं, और कांग्रेस की उम्मीदवार रंजीत रंजन को हार का सामना करना पड़ा है। दिलेश्वर कामत को 2,66,853 वोट मिले हैं। हालांकि क्षेत्र में सुपौल संसदीय क्षेत्र में
जो रंजीत रंजन है काम करने के लिए जानी जाती हैं और क्षेत्र की जनता इन्हें बहुत ही प्यार करती है, बावजूद इसके रंजीत रंजन को हार का सामना करना पड़ा है। अब बात उजियारपुर संसदीय क्षेत्र की, जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव मैदान में और उनका मुकाबला आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से था, लेकिन कुशवाहा को यहां भी हार का सामना करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दो संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे, काराकाट और उजियारपुर। हमने आपको बताया था कि उजियारपुर में उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जीत मिलने वाली है, लेकिन जो हमने अनुमान लगाया था वो गलत साबित हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा को अब हम बता रहे हैं कि यहाँ बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और लगभग हर गली मोहल्ले चौराहे सड़क पे नित्यानंद राय के खिलाफ में बोलने वाली जनता उन्हें 2,77,278 मतों से चुनाव जिता दिया है। अगर आप उजियारपुर जाएंगे, उजियारपुर क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको कोई ऐसा गली और मोहल्ला नहीं मिलेगा, इवन कि बीजेपी के लोग भी नित्यानंद राय की शिकायत करते आपको मिल जाएंगे। बावजूद इसके नित्यानंद राय 2,77,278 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। तो ये है मोदी है तो मुमकिन है। और अब बात वैशाली संसदीय क्षेत्र की, गणतंत्र की जननी वैशाली से राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव हार चुके हैं और उन्हें बीना देवी ने हराया है। लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पे वे चुनाव मैदान में थी और उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनाव हरा दिया है, जो दिनेश प्रसाद सिंह की वाइफ थी। और कहा जाता है कि दिनेश प्रसाद सिंह कभी किसी जमाने में रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए काम करते थे और आज उन्होंने अपनी पत्नी के लिए काम करके चुनाव जीता दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में कहा जाता है, आज जो आप बिहार में चमचमाती सड़कें देखते हैं उसकी वजह है रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए बहुत सारे फंड लाए और उस फंड का उपयोग नीतीश कुमार करने की और अपनी छवि चमकाई और बिहार की सड़कें चमकाकर वो खुद को जनता के सामने एक मॉडल के तौर पे प्रस्तुत किया, विकास पुरुष के तौर पे खुद को प्रस्तुत किया। लेकिन कहा जाता है कि जो फंड था वो रघुवंश प्रसाद सिंह ने लाया था। और अब बात वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र की, वाल्मीकि नगर से वैद्यनाथ प्रसाद महतो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के युवा चेहरे, कांग्रेस के युवा प्रत्याशी शाश्वत केदार को चुनाव मैदान में मात दिया है और शाश्वत केदार को वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने 3,54,616 मतों से चुनाव मैदान में पराजित किया है। तो ये थी बिहार के 40 सीटों के नतीजे। जैसा कि आपने देखा, मोदी है तो मुमकिन है और कुछ भी मुमकिन है। बिहार में 40 में से 39 सीट जो है बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई है, एनडीए के खाते में गई है। महज एक सीट पर महागठबंधन को जीत मिली है। किशनगंज संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। बाकी सीटों पर जो है महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। ये महागठबंधन के नेताओं के लिए
किसी बड़े झटके से कम नहीं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के जो नायक हैं तेजस्वी यादव, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, सदमा है। अब वो देखते हैं इससे कैसे उबरते हैं। लेकिन कहता है गिरकर उठना मनुष्य की प्रवृत्ति होती है और हार और जीत प्रकृति का नियम है, खेल है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, हमने आपको बताया कि बिहार के 40 सीटों में कौन हारा, कौन जीता, कहां से हारा और कहां से जीता और कितने मतों से जीता। तो हमें दीजिए अब इजाज़त। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।